देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से बिजी के अंदर सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लोग इसको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी बोलते हैं। आज हम इस टॉपिक के साथ साथ अपने चार टॉपिक कवर करेंगे। पहला, डेबिट नोट सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। सेकेंड इज डेबिट नोट विदाउट आइटम एंड क्रेडिट नोट विदाउट आइटम। सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न जैसे नाम से ही क्लियर है कि मैंने किसी को माल सेल करा और उसमें कुछ प्रॉब्लम दी और सामने वाली पार्टी मुझे वापसी कर दे, तो वो मेरी सेल रिटर्न कहलाती है। ऐसी होती है हमारी परचेज रिटर्न। मैंने किसी से माल परचेज करा बट उसके माल में कुछ कमी थी या माल अगेन सैंपल नहीं था, मैंने उसको वापसी रिटर्न कर दी, वो मेरी क्या कहलाती है? परचेज रिटर्न। हम ये जानते हैं परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के बारे में, ठीक है। इसी के साथ साथ हम अपना एक टॉपिक भी कवर करेंगे, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। बहुत ये दोनों वर्ड से ही रिलेटेड है, दोनों ही परचेज रिटर्न और क्रेडिट सेल रिटर्न से हैं। मैं बता दूं, परचेज रिटर्न और डेबिट नोट बोथ आर सेम, दोनों ही एक जैसे हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर दोनों एक जैसे हैं तो इन दोनों को दो टॉपिकों में क्यों रखा गया है? देखिए, इन दोनों में एक दोनों में अंतर भी है और दोनों में एक सिमिलैरिटी भी। पहला सिमिलैरिटी यह है कि दोनों ही पार्टी के अकाउंट से बैलेंस को कम करते हैं। पहला क्या है कि ये पार्टी के अकाउंट से बैलेंस को कम करते हैं। दूसरा अंतर इसके अंदर है, परचेज रिटर्न में हमेशा आइटम आती है और सेल डेबिट नोट में आपकी आइटम नहीं आती है। पहला सिमिलैरिटी थी, दोनों ही पार्टी के अकाउंट से बैलेंस को कम करते हैं, और सेकंड चीज हमारी थी कि परचेज रिटर्न में आइटम आती है और डेबिट नोट में आइटम नहीं आती। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज करता हूं मैंने किसी पार्टी से परचेज करी, मैंने 5/4/2017 को एक पार्टी से परचेज करी जिसका बिल नंबर R50 था। पार्टी का नाम बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड थी और मैंने इनसे कॉपी परचेज करी। कॉपी मैंने 100 पीस परचेज करी एंड कॉपी 200 पीस करी। इसके बाद मैंने इनसे 5,40,000 रुपए का माल क्रेडिट पे परचेज कर और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव हुआ, अगेन वो मैसेज आया, हम जानते हैं इस मैसेज के बारे में, हम इसको सेव करें। अब जो मैंने इससे माल परचेज करा उसमें एसी की 5 पीस खराब थी या वो डिफेक्टेड थी या उसमें कोई दूसरा इश्यू था। मैं चाहता हूं कि वो पीस उनको वापसी कर देना। मैं चाहता हूं कि सर आप ये अपनी 5 पीस मुझसे वापसी ले लीजिए। मैं परचेज पे आऊंगा, परचेज रिटर्न पे मैं ऐड करा, ठीक है। मैंने जैसे ही ऐड करा, बीजी ने मुझसे डेट पूछी, सर आपको रिटर्न कब करना? मैंने 15। देन ये मुझसे पूछा पार्टी किस पार्टी को रिटर्न करना, मैंने बोला बीजी इन्फोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड को। देन मुझसे पूछा वाउचर नंबर क्या है। देखो, जैसे ही मैं यहाँ R50 लिखूंगा इसकी ऑटोमेटिक डेट आ जाएगी। वहां डॉट लग गया गलती से मुझसे, कब परचेज करी? इसने मुझे वाउचर डेट ऑटोमेटिक बता दी। उसने बताया कि सर आपने जो R/50 परचेज करा वो आपने 5/4/2017 को परचेज करा है। मैंने इसको एंटर मारा, आगे बढ़ा, फिर पूछा सर आप जो रिटर्न करेंगे वो कौन सी प्लेस पे रखा हुआ है? मैंने बोला मेन स्टोर पे रखा हुआ है। देन ट्रांसपोर्ट मैंने स्किप करा एंड देन हमने AC2 परचेज करी थी, इससे मेरे स्टॉक में 105 पीस है बट मैं इसको 5 पीस रिटर्न करना चाहता हूँ। हो गए रिटर्न और मैं इसको सेव कर दूंगा। इसको रिटर्न करते ही मेरे पास दो चीजों में इफेक्ट आ गया। पहला, पार्टी का बैलेंस कम हो गया, दूसरा मेरे स्टॉक से भी कम हो गया। अगर आपको वो दोनों चीज चेक करनी है तो आप सबसे पहले अपने कीबोर्ड पे ओल्ड के साथ एल बटन प्रेस कीजिए। ये ओल्ड के साथ एल इसलिए करते हैं ताकि आपको किसी एक पार्टी का लेजर देखने के लिए। आपने जैसे ही ओल्ड के साथ एल दबाया तो यहाँ पर ऊपर लिख के आया अकाउंट लेजर। जो भी आपको नाम डालना है, मैंने डाल दिया बीजी इंफोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड और मैंने इसको एंटर एंटर मार के ओके करा। अगर आप चाहते कि आप सर इसको मुझे फटाफट ओपन करना है तो आप बीजी का नाम लिख के एक बार F2 बटन प्रेस कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला ऊपर हम किसका अकाउंट नेम देख रहे हैं ये आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। मैं नाम देख रहा हूँ बीजी इंफोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड का। मैं किसका नाम देख रहा हूँ? बीजी इंफोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड का। कब से कब तक की डेट का देख रहा हूँ? फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू 15 अप्रैल 2017। देन इसने मुझे बताया कि 5 तारीख को आपने परचेज करी है किससे? जिसका वाउचर नंबर R50 था।
कितने लाख रुपए की? 5,40,000 रुपए की। फिर आपने 15 तारीख को एक परचेज रिटर्न की एंट्री पास करी, कितने रुपए के हिसाब से? आपने 200 रुपए के रेट से 5 पीस वापसी करी, तो 1,000 रुपीज उसके अकाउंट से बैलेंस हो गए। अब लास्ट आप क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे तो आपको यहाँ बता रहा है कि आपको उस पार्टी को एक्चुअली में 5,39,000 रुपए पे करने। जिस वर्ड के आगे सी आर आता है इसका मतलब हमें उनको पैसा पे करना, और जिसके आगे डी आ जाता है हमें उनसे पैसा लेना होता है। ये तो हो गई अकाउंट्स की बात। अगर मैं ओल्ट आई करूं, क्या करूं? ओल्ट आई, और उस AC2 का नाम टाइप करूं तो आपको यहां पर दिखेगा। ओल्ट आई क्या करता है? अगर आप यहां देखोगे ध्यान से, ओल्ट एल के नीचे आपको मिलेगा ओल्ट आई। ओल्ट आई किसी आइटम के लेजर को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। पार्टी का लेजर चेक करना हो तो ओल्ट एल शॉर्टकट की होती है। अगर आपको किसी आइटम का लेजर चेक करना है तो उसकी शॉर्टकट की ओल्ट आई होती है। देन उस आइटम का नाम टाइप कीजिए। मैंने डाल दिया AC2, एंड देन जैसे ही मैंने ओके करा तो बीजी ने मुझे बताया कि सर आपकी इन 110 हुई थी, देन अभी आउट आपकी 10 हुई है, लेकिन आप इस पे एक बार इंटर मारेंगे ना तो आपको ज्यादा चीज समझ में आएगी। पहला, आपने पहली परचेज करी थी सुभाष से, कितनी पीस? 10 पीस। एंड सेकंड परचेज आपने करी थी कब? 5 को, कितनी पीस? 100 पीस। देन टोटल आपके स्टॉक में 110 पीस आ गए, और आपने 10 को 5 पीस सेल करी थी अनिल इंटरप्राइज इंदौर की, और 15 को आपने परचेज रिटर्न कर दी उसको 5 पीस। तो आपका अब करंट स्टॉक आइटम का कितना है? 100 पीस का। तो परचेज रिटर्न का इसलिए यूज किया जाता है ताकि मेरे स्टॉक से वैल्यू कम हो जाए, और साथ साथ उस पार्टी का जो भी लेजर है वो बैलेंस भी ऑटोमेटिक कम हो जाए, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सेल रिटर्न भी बिल्कुल सेम है। सेल रिटर्न हम उन लोगों के लिए करते हैं जिनको मैंने सेल करी और वो मुझे कुछ आइटम वापसी करते हैं, तो वो मेरी सेल रिटर्न कहलाते हैं। इसके याद हमेशा याद रखना, टैली या दूसरे सॉफ्टवेयर में इसको क्रेडिट नॉट बोलते हैं और इसको डेबिट नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परचेज रिटर्न को डेबिट नॉट और सेल को क्रेडिट नॉट बोलते हैं, और जीएसटी में इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब हम इन टॉपिक को समझते हैं। अगर दीपक जी आप सेलर हैं और मैं बायर, अगर आप अपने पास डेबिट नोट की एंट्री करेंगे तो मैं अपने पास क्रेडिट नोट की एंट्री करूंगा, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं अकाउंटिंग टू साइड रिफ्लेक्शन करती है। अगर एक की परचेज है तो सामने की सेल होती है, सामने वाली पार्टी की। अगर सामने वाली की सेल है तो मेरी परचेज होगी, ठीक है? याद रखना, अगर कोई पार्टी आपको क्रेडिट नोट दे तो आपको इसका मतलब डेबिट नोट में एंट्री करनी। कोई अगर आप किसी को डेबिट नोट दोगे तो सामने वाला क्रेडिट नोट में एंट्री करे, मतलब अपोजिट करनी है ऑलवेज, ठीक है? राइट सर। मैम शालिनी जी, सर मुझे एक चीज पूछनी है कि यस जैसे हम परचेज रिटर्न करते हैं, सेल रिटर्न करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो रिटर्न वाले में इनवॉइस नंबर सेम डालना है, जो परचेज करी हाँ तो जो बिल्कुल इनवॉइस भाई, था उसके अगेंस्ट ही होगी ना, बिल्कुल बिल्कुल उसके अगेंस्ट ही चाहे होगी। वो सेल कंडीशन हो, हाँ बिल्कुल दोनों में इनवॉइस बिल्कुल, नंबर लगेगा। इनवॉइस नंबर बिल्कुल सेम लगेगा, ठीक ठीक है सर, है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ठीक है। हमेशा याद रखना, मैंने सर अगर मैं मैक्सिमम, नंबर याद ना हो, हाँ यस सर अगर हमें इनवॉइस नंबर पता ना हो अपना, कैसे फिर चेक करेंगे? सर, जिस इनवॉइस के अगेंस्ट माल रिटर्न आया उस पर जरूर मेंशन होगा कि इस वाली आइटम के अगेंस्ट आ रहा है। अगर नहीं पता चलता तो आप उसको स्किप करके छोड़ भी सकते हैं, ठीक है? बट मैक्सिमम टाइप उसमें इनवॉइस नंबर लिखा होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप, ये सर था, हाँ एक अभी क्या हुआ था, हेलो हाँ बात बताइए। हेलो हाँ बोलिए मैम, आवाज आ रही है आपकी। सर, अभी जैसे कंपनी मैंने एक माल सेल किया था, ठीक है, तो एक पार्टी ने वो रिजेक्ट किया, उनका नहीं चलना था, उन्होंने वापस भेजा, तो उन्होंने अपने इनवॉइस पे काटा हुआ था, तो उनका इनवॉइस नंबर भी था, और मैंने एंट्री तो ऐसे ही की कि जो मैंने सेल की थी उस इनवॉइस के अगेंस्ट ही मैंने सेल रिटर्न अपनी बिजी में की, लेकिन उन्होंने इनवॉइस भेजा है तो उस इनवॉइस का रिफ्लेक्ट कहाँ पे करेगा? उस पर भी इनवॉइस नंबर था जो रिटर्न उन्होंने माल किया। उन्होंने जो रिटर्न करा ना उस पे जो, तो उस जगह ना आपको ये वाला हाँ जी, वाउचर नंबर ऑन करना पड़ेगा। ये लिखा है ना वाउचर नंबर, आप आएंगे नीचे कहाँ पर? वाउचर डिटेल पे, ठीक है? वाउचर डिटेल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ओके आपके पास एक मिलेगा वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से आप वाउचर नंबरिंग को
जो नॉट रिक्वायर्ड है उसको आप मैन्युअली हाँ मोड पे चला दें। कौन से मोड पे? मैन्युअली मोड पे ओपन कर देंगे और यहाँ पर नो एक्शन कर देंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा, जो पार्टी का इनवॉइस नंबर होगा ना वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर जो पार्टी ने दिया है, ठीक है, जैसे हम परचेज के वक्त करते हैं। सेकंड, जब आप उस पार्टी का जो रियल इनवॉइस नंबर था जो आपने करा था वो यहाँ डाल, देखो ऊपर लिखा भी ओरिजिनल सेल डिटेल, वो आपको यहाँ डालना, ठीक है, इन दोनों चीजों को यहाँ कर देना पे हमारा सेल नंबर, और सामने वाले का यहाँ पर नंबर, ठीक है, यहाँ लिखा भी ओरिजिनल सेल डिटेल। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने ये था कि अगर कोई पार्टी मुझे डेबिट नोट देगा तो मैं उसमें क्रेडिट नोट में एंट्री करूंगा, और अगर मैं किसी को क्रेडिट नोट में दूंगा तो सामने वाला अपोजिट एंट्री करेगा डेबिट नोट। सेकंड सर, हमने ये टॉपिक सीख लिया। एक नीचे टॉपिक है डी आर नॉट विदाउट आइटम एंड सी आर नॉट विदाउट आइटम। जहां डी आर आता है इसका मतलब डेबिट नोट, मतलब परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट मतलब सेल रिटर्न। इस टॉपिक का यूज उस जगह करना है जब आपने किसी से परचेज करी, ठीक है, उसमें रेट एक्सेस हो गया, रेट ज्यादा लगा दिया उसने, ये जीएसटी के अंदर। एक एग्जांपल देखते हैं, मैं यहां आया, तारीख मेरी 15 थी एंड वाउचर नंबर 01 था। मैंने पार्टी का नाम एक नई क्रिएट करा एंड दीपक ट्रेडर्स, ग्रुप में संडी क्रिएटर्स एंड देन F2 एंड सेल। देन मैंने इनसे जो आइटम परचेज करी वो मैंने इनसे एसी परचेज करी, एसी की जगह हम दूसरी कुछ ले लेते हैं, मैं सपोज गुड्डे परचेज करा, मेरे पास जो गुड्डे का जो परचेज आई वो 1000 पीस की आई।